Hello, my dear viewers. Welcome back to Times Jagan. I'm your host and dost Ankur Taneja. And after a long wait of 3 years, Jaguar finally अपने electric vehicle I-Pace को India में लेकर आ गया है. Finally इसका launch Jaguar ने India में कर दिया है. क्या आपको options Indian market के हिसाब से इसमें देखने को मिलते हैं? क्या trim options हैं? Features कैसे हैं? वही हम आपको बताने वाले हैं इस video में. चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके एक्सटीरियर लुक की. ये जो ट्रिम फिलहाल अभी हमारे सामने है, ये है इसका एस ट्रिम. तीन ट्रिम के ऑप्शन होंगे, एस, एस सी एंड एच एस सी. तो ये एस ट्रिम है फिलहाल. फ्रंट लुक की बात करें तो यहाँ से ही आपको इसके स्पोर्टियर लुक की फील की झलक देखने को मिल जाएगी. यहाँ पर फ्रंट में ही ग्रिल दिया गया है एंड इट्स फेक ग्रिल क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी है. सो बट ये जो डिज़ाइन दिया गया है, यहाँ से ही आपको स्पोर्टीनेस ही देखना शुरू हो जाएगा. जो इसका फील है स्पोर्टियर, वो यहाँ से ही आपको फील होगा. एंड ये जो स्पेस दिया गया है, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, आई आस्क द कैमरामैन टू कम क्लोजर. तो यहाँ पर जो स्पेस दिया गया है, ये एयर ड्रैग के लिए बनाया गया है. तो यहाँ पर ये बोनट के अंदर से जाता है एंड इट क्रिएट्स सॉर्ट ऑफ एयर ड्रैग जो इस गाड़ी को सतह के पास रखता है. एंड ये फिलॉसफी आपको पीछे तक जाती हुई इस गाड़ी में दिखेगी. फिलहाल अभी जो एस ट्रिम में ये हेडलैम्प्स देख रहे हैं आप, ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स इसमें दिए गए हैं, एलईडी हेडलाइट्स हैं. एंड इसके साथ साथ आपको हर ट्रिम में अलग ऑप्शन मिलते हैं. आपको मैट्रिक्स हेडलाइट्स का भी इसमें ऑप्शन मिलता है, जो कि आप एज अ कस्टमाइजेशन ऑप्शन आप इसमें लगवा सकते हैं. एस ट्रिम में भी, स्टार्टिंग जो ट्रिम है उसमें भी, बट दैट विल कॉस्ट यू एक्स्ट्रा बिकॉज वो कस्टमाइजेशन का पार्ट है. देन यहाँ पर भी आपको ये एयर ड्रैग के लिए जगह दी गई है एंड यहाँ पर वेंट्स दिखेंगे आपको. एंड ये आपको बम्पर में ब्लैक टोन, ग्लॉसी ब्लैक टोन यहाँ पर दिखेगी. 360 डिग्री यहाँ कैमरा इसमें दिए गए हैं, सेंसर्स हैं. फिर यहाँ पर आप जो ग्रिल देख रहे हैं, इसके पीछे भी आपको ओपन एंड क्लोज करने के फ्लैप दिए गए हैं. बिकॉज बैटरी अगर ज़्यादा गर्म होती है तो यहाँ से आपको वो एयर के ज़रिए थोड़ा ठंडा हो सके, तो यहाँ पर भी वो आपको खुलने और बंद करने का ऑप्शन इसमें दिखेगा इसके पीछे, इस ग्रिल के पीछे. तो ओवरऑल यहाँ पर भी आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश देखने को मिलेगी इसके बम्पर में, थ्रू आउट में, साइड में भी सेंसर्स हैं. अब जो व्हील्स इसमें मिलते हैं, दैट इज़ 19-inch अलॉय व्हील्स जो आपको इसमें दिए गए हैं. मिशलिन के टायर्स हैं एंड दीज आर 235 सेक्शन 19-inch व्हील्स, अलॉय व्हील्स एज स्टैंडर्ड. तीनों ट्रिम में एक जैसे हैं, बट उसके अलावा इसमें अनगिनत आपको कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिलेंगे एक्सटीरियर के हिसाब से भी और इंटीरियर के हिसाब से भी. साइड में आपको ये सिल्वर कलर में आपको इसके साइड मिरर्स देखने को मिलेंगे. एंड इसके अलावा यहाँ पे इसमें थोड़ा बहुत पियानो ब्लैक का इस्तेमाल किया गया है इसके साइड मिरर्स में भी. क्रोम का एलिमेंट आपको थ्रू आउट इसके डोर्स के साइड्स में देखने को मिलेगा. जो मैं फ्रंट में एयर ड्रैग की बात कर रहा था, वो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर भी ये जो स्पॉइलर दिया गया है एंड दिस मैचेस विद दी फिलॉसफी दैट वाज देयर इन द फ्रंट. एंड ये भी यहाँ पे एयर ड्रैग में हेल्प करता है. रियर की बात करें तो ये भी आपको कम्प्लीटली एलईडी टेल लाइट्स मिलती हैं, स्प्लिट एलईडी टेल लैम्प्स हैं इसमें. आई पेस की बैजिंग यहाँ देखने को मिलेगी एंड सेंटर में जैगवार का लोगो. एंड दिस इज़ दी ऑल व्हील ड्राइव कार दैट इज़ देयर. ईवी 400 की बैजिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी. तो रियर में भी जो लुक है, यहाँ पर आपको जो डुअल टोन पियानो ब्लैक और रेड के कलर में आपको ये बम्पर देखने को मिलेगा. इसके अलावा सेंसर्स आपको देखने को मिलेंगे एंड देयर इज नो एग्जॉस्ट टेल बिकॉज दिस इज एन इलेक्ट्रिक व्हीकल दैट इज ऑफ कोर्स. अब इसके अलावा इसमें जो फीचर्स क्या आपको देखने को मिलते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, बट लेट्स चेक द बूट स्पेस फर्स्ट. सो दिस इज हाउ द बूट स्पेस इज. अराउंड 656 लीटर का बूट स्पेस अभी फिलहाल है, बट देर इज अ कैच. ये स्पेयर टायर अगर आप रखना चाहते हैं तो ये आपका बूट स्पेस काफ़ी हद तक ले जाएगा. बट आपके पास एक और ऑप्शन है, सेकेंड रो की सीट्स आप डाउन कर सकते हैं. तो अराउंड 1340 लीटर्स के आसपास का बूट स्पेस आपको रियर स्पेस देखने को मिलेगा अगर आप ज़्यादा लगेज कैरी करना चाहते हैं. इन केस यू डोंट वांट टू कैरी द स्पेयर टायर देन यू हैव एक्स्ट्रा स्पेस ऑल्सो. एंड इलेक्ट्रिक टेलगेट ये आपको इसमें देखने को मिलेगी. बट अपार्ट फ्रॉम द बूट स्पेस देर इज़ ऑल्सो सम मोर स्पेस इन द फ्रंट. यहाँ पर आपको फ्रंट में भी थोड़ा स्पेस दिया गया है. इधर आप देखेंगे ज़्यादा कुछ सामान नहीं आएगा फिलहाल. अभी इसमें इसका 5 एम्पियर सॉकेट का चार्जर रखा है एंड दो चार्जर के ऑप्शन आपको इसके साथ मिलेंगे जो इसके साथ आपको दिए जाएंगे. एक 7.4 किलोवाट का और एक ये 3.5 किलोवाट का ये आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि आपने होम सॉकेट में इसको प्लग इन
कर सकते हैं। अंदर क्या देखने को मिलता है इसमें इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एंड हाउ प्रीमियम डज दिस लुक फ्रॉम इनसाइड, बिकॉज ये गाड़ी एक प्रीमियम सेगमेंट में आने वाली है एंड इट विल कम्पीट विद द कार्स लाइक मर्सिडीज EQC एंड ऑडीज e-tron। लेट्स चेक द इंटीरियर। सो इस गाड़ी के अंदर हम बैठे हैं। इन केस यू वंडरिंग दिस इज हाउ द की लुक्स लाइक, लॉक अनलॉक, फ्रंट हुड एंड बूट ओपन करने का ऑप्शन है एंड हैजर लाइट का यहाँ पे आपको इसमें ये बटन दिया गया है। की के अलावा गाड़ी को पहले ऑन करते हैं, बिना किसी आवाज़ के ये ऑन हो जाती है बिकॉज इट्स एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। एंड यहाँ पर मामला आपको यस प्रीमियम ज़रूर देखने में लगेगा, स्पेशली सेंटर जो में कंसोल दिया गया है, यहाँ पर आपको ये 10 इंच का स्क्रीन दिया गया है एंड यहाँ पर आपको बहुत से फीचर्स इसमें देखने को मिलेंगे। आपकी गाड़ी कितना चल चुकी है वो सब आपको देखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर आपको AC कंट्रोल के ऑप्शन दिए गए हैं एंड यहाँ मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ पर आपको 360 कैमरा आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर व्हीकल प्री कंडीशन, इको डेटा, ऑल सरफेस इंफॉर्मेशन, बिकॉज ये आप अलग अलग बोर्ड में इसको चला सकते हैं। कौन से मोड्स हैं मैं बताऊँगा आपको। लो ट्रैक्शन लॉन्च का यहाँ ऑप्शन है, नेविगेशन, फ़ोन, मीडिया, ये सब आपको इसके टच स्क्रीन में यहाँ पर देखने को मिलेगा। देन थोड़ा नीचे आएंगे, एक छोटा सा और 5.5 इंच का स्क्रीन और दिया गया है जिसमें आपको AC कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे। इसमें अभी फिलहाल 2 जोन और 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन है, इसमें आपको अभी फिलहाल 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल इस फिनिट में दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर दोनों साइड आपको डायल्स दिखेंगे AC कंट्रोल के एंड हीटेड सीट के भी ऑप्शन, इसको आप प्रेस करेंगे एंड दैट इज़ ऑल्सो देयर इन द जैगुआर I-Pace। थोड़ा और नीचे आएंगे, लेफ्ट साइड में आपको अलग अलग मोड चेंज करने के बटन, क्रूज कंट्रोल। वन थिंग विच आई फॉरगॉट टू टेल यू, अगर आपको लग रहा था इस गाड़ी की हाइट थोड़ी नीचे है, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा नहीं है, तो देन देर इज़ एन ऑप्शन फॉर दैट ऑल्सो। आप इसको नॉर्मल मोड में, जिससे थोड़ा सा लिफ्ट होगी, एंड इसके बाद आप इसको एक ऑफ रोड मोड में भी ले जा सकते हैं जिससे इस गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बढ़कर चली जाएगी 230 mm तक। सो अराउंड 134 mm सबसे नीचे एंड 230 mm फॉर ऑफ रोड कंडीशंस के लिए आप इसकी ग्राउंड क्लियरेंस चेंज कर सकते हैं। राइट साइड में क्रोम प्लेटेड, यहाँ पर आपको ड्राइव, न्यूट्रल एंड रिवर्स का ऑप्शन दिखेगा एंड यहाँ पर आपको P यानी पार्किंग का बटन देखने को मिलेगा। सेंटर में आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन है, थोड़ा बहुत सामान यहाँ पर चेंज वगैरह रख सकते हैं। देयर इज ऑल्सो सम स्पेस टू कीप योर फोन एंड यहाँ पर आर्मरेस्ट के नीचे आपको 1 USB-C चार्जिंग पोर्ट एंड 12-volt सॉकेट इज देयर अंडर द आर्मरेस्ट। Now let's come to the steering wheel and यहाँ से भी वो आपको स्पोर्टियर फील देखने को मिलेगी, स्पेशली विद द एलिमेंट्स जो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कलर कॉम्बिनेशन ये क्रोम एंड पियानो ब्लैक एंड लेदर स्टिच्ड स्टीयरिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा लेफ्ट साइड में आपको बटन्स दिए गए हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल करने के एंड राइट साइड में क्रूज कंट्रोल के बटन्स हैं, लेन असिस्ट का आपको यहाँ पे बटन देखने को मिलेगा एंड इंस्ट्रूमेंट पैनल की बात करें तो 12.5 इंच का आपको स्क्रीन, फुली डिजिटल स्क्रीन आपको वहां पर भी दिया गया है। स्पीडोमीटर, चार्ज कितना रहता है, पावर कितना है, अलग अलग मोड कौन से हैं इसमें, यहां से आप इसके मोड चेंज कर सकते हैं। देयर इज इको मोड, देयर इज रेन, आइस, स्नो मोड, डायनामिक मोड, जिसमें आप अलग अलग मोड में चेंज करेंगे तो उस हिसाब से इसका कलर स्कीम भी चेंज हो जाएगा। तो ये सब कुछ आपको अभी फिलहाल फ्रंट रो में देखने को मिलता है एंड बात करें डैशबोर्ड की तो ये भी प्रीमियम फील से भरा हुआ है, सॉफ्ट टच के साथ है। ये सब आपको एज स्टैंडर्ड तीनों वेरिएंट्स में देखने को मिलेगा बट यहाँ पर आप बहुत कुछ बदलवा सकते हैं। सीट्स केस में आपको 2-3 ऑप्शन हैं, दिस इज़ दी स्पोर्ट्स सीट एंड इसमें आपको एक परफॉर्मेंस सीट का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा विच विल मेक दिस कार लुक मोर स्पोर्टियर एंड वो रेसिंग वाली फील उन सीट से आपको आएगी एंड लेदर के भी अलग अलग ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। साइड में बात करें तो मेरिडियन का साउंड सिस्टम दिया गया है, अभी फिलहाल इसमें 3D सराउंड साउंड सिस्टम है बट वो आपको नॉर्मल वेरिएंट में, स्टार्टिंग वेरिएंट में देखने को नहीं मिलेगा बट दैट यू कैन हैव एज अ कस्टमाइजेशन ऑल्सो एंड द सेम पैटर्न दैट इज देयर इन द सीट्स वो आपको इसके डोर्स में भी देखने को मिलेगा इसके हैंडल बार के आसपास। सो ये कुछ मामला यहाँ पर आपको फ्रंट रो में देखने को मिलेगा। अब पीछे इसमें स्पेस कैसा है एंड इज इट प्रैक्टिकल एनफ फॉर 3 पीपल, अगर बैठना चाहें 3 लोग तो बैठ सकते हैं नहीं, एंड हाउ स्पेशियस इट इज़, लेट्स गो एंड चेक दैट आउट। सेकेंड रो की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले
मुझे जो सीट्स का एंगल है स्पेशली बैक सपोर्ट वो काफ़ी बेहतर लग रहा है एंड इट्स प्रीटी कंफर्टेबल एज ऑफ नाउ। सीट्स भी काफ़ी कुछ नहीं मिलेंगी एंड यहाँ पर आपको इसमें 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल इसमें दिया गया है, 2 जोन और 4 जोन का भी ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ पर नीचे आपको USB-C चार्जिंग पॉइंट दिए गए हैं, 2 12 वोल्ट का सॉकेट है। आपको यहाँ पर भी 5 वोल्ट के USB चार्जिंग पोर्ट्स हैं दोनों सीट्स में, यहाँ पर देखेंगे। एंड बी प्लेयर में भी आपको AC के वेंट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एंड यहाँ पर नज़ारा बहुत बेहतर हो जाता है बिकॉज देर इज पैनोरामिक सनरूफ। हालांकि ये फिक्स्ड है बट इट विल मेक योर डे बेटर पीछे की कतार में जब आप इस गाड़ी में बैठे होंगे। सीट्स में यहाँ पर सेंटर आर्मरेस्ट दिया गया है, 2 कप होल्डर्स हैं यहाँ पर। सो ये कुछ हिसाब किताब आपको इस जगुआर IPS की सेकेंड रो में देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ स्पेस, इन टर्म्स ऑफ कम्फर्ट, इन टर्म्स ऑफ फंक्शन एंड फीचर्स ऑफ दिस जगुआर IPS सेकेंड रो। अब इसकी कीमत क्या है एक बार वो जान लेते हैं। ओवरऑल जो लुक एंड फील है इस जैगवार के इलेक्ट्रिक व्हीकल IPS का वो काफ़ी स्पोर्टियर आपको देखने में ज़रूर लगेगा एंड वो अंदर से भी फील आपको ज़रूर आएगी। दिस कार हैज़ दैट स्पोर्टियर एलिमेंट इन इट्स DNA। अब ये जो गाड़ी है ये स्क्रैच से बिल्ड करी गई है इन कंपैरिजन टू दी मर्सिडीज जो GLC के प्लेटफॉर्म पे उन्होंने EQC बनाई है एंड ऑडी की ईट्रॉन भी इसी कॉम्पिटिशन में जल्द ही ऑडी लेकर आने वाला है। सो द प्राइस, द स्टार्टिंग वेरिएंट का प्राइस होगा दैट विल बी 1.5 करोड़ रुपीज एंड टॉप एंड का प्राइस अभी डिस्क्लोज नहीं किया है टॉप एंड मिड वेरिएंट का, बट ये स्टार्टिंग प्राइस इस गाड़ी का होने वाला है एंड इट देर वोंट बी मच डिफरेंस बिटवीन द वेरिएंट्स। ज़्यादा कुछ फर्क नहीं होगा, कुछ लाख का ही फर्क जगुआर कह रही है कि इन तीनों वेरिएंट्स के बीच में होने वाला है। बट देर आर एंडलेस ऑप्शंस ऑफ गेटिंग दिस कार कस्टमाइज। आप इसके जो स्टार्टिंग वेरिएंट है उसमें भी टॉप ट्रिम के बहुत से फंक्शंस इसमें लगवा सकते हैं, बहुत से फीचर्स इसमें लगवा सकते हैं। सो ये है कहानी जगुआर की इस IPS की। आपको ये गाड़ी कैसी लगी, डिज़ाइन आपको कैसे लगे, फीचर्स कैसे लगे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा वो भी हमें बताएं कमेंट सेक्शन में और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।